और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे, यानी टनल में कितना काम पूरा हो चुका है इसका इंतजार सभी को है। तो सबसे पहले तस्वीरों पे बात करते हैं। तस्वीरें आप ये देखिए, ये उसी टनल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां से उम्मीद की एक बड़ी खबर सामने आने वाली है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा होने का मतलब ये कि आज शाम तक ऐसी संभावना जताई जा रही है, ऐसी खबरें मिल रही है, सोर्सेज हमारे जो कह रहे हैं वो ये कि आज शाम तक ये निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब मशीनों को कहीं कोई रुकावट नहीं होगी, तब ये होने जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पे ये तस्वीर आपको मिलनी शुरू हो चुकी है, जहां सब कुछ स्मूथली चल रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, अगले 7 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 7 घंटे में ऐसी खबर मिल सकती है जब मजदूरों की, जिनकी संख्या 41 और जिनके परिवार के सदस्य इस पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं, उन सभी को निकाला जा सकता है, ऐसी खबरें मिलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये तब होगा जब यहाँ पे सारी मशीनें एक साथ बेहतर तरीके से काम करनी शुरू हो जाए, जो ड्रिलिंग का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, ये तभी संभव है। लेकिन जो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जा रही है या एम्बुलेंस स्टाफ की जो संख्या बढ़ाई जा रही है, उसके बाद ये तय हो चुका है कि वो वक्त दूर नहीं जब 41 मजदूर यहाँ पे बाहर आएंगे। मैं सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करती हूँ। प्रियंका, इस बीच कोई और अपडेट? जी बिल्कुल, जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि जो पाइप है वो 39 मीटर्स जा चुका है, यानी कि 7वां जो पाइप हम लगातार सुबह से बता रहे हैं वो ऑलमोस्ट अंदर हो गया है। जैसे ही ये 7वां पाइप अंदर जाएगा तो 40 मीटर की जो दूरी है वो हम इस मलबे में 60 में से तकरीबन 40 मीटर की दूरी पर हम लोग पहुँच गए। ये बहुत बड़ा एक अपडेट है और इस बारे में थोड़ी ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जिससे आधिकारिक सूचना ये हम तक पहुँचेगी। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि 39 मीटर्स हमारा जो रेस्क्यू पाइप है वो टनल जो मलबा है उसके अंदर घुस चुका है और ऐसे में अब बहुत कम रास्ता रह गया है जो हमें कवर करना है। लेकिन अब सबसे मुश्किल वाला जो एरिया है वो कवर करना है। ऐसे में क्या चैलेंजेस होंगे, अगर किसी तरीके की कोई ऑब्स्टिकल नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आए, तो जिस स्पीड से काम चल रहा है उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत जल्द अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिलेगी। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसके बाद जो जानकारी है वो और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। जी रीमा, ठीक है जी। प्रियंका, मैं आपका रुख करती हूं, लेकिन दिल्ली से लेकर देहरादून तक कैसे इस खबर पर नजर बनाई हुई है ये मैं इस वक्त बताती हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली दफा नहीं बल्कि बीते 11 दिन में पुष्कर सिंह धामी से कई दफा बातचीत की है, उन्होंने उत्तराखंड के सीएम से, और बातचीत के दौरान उन्होंने पूरे प्रोसेस की जानकारी ली है कि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, पीएम ने पुष्कर सिंह धामी यानी उत्तराखंड के सीएम से बातचीत की है और बातचीत में सबसे प्रमुख बातें ये रही है कि उन्होंने जानने की कोशिश की है कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, यानी उत्तरकाशी से कब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कब राहत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 41 मजदूरों की संख्या है और 41 मजदूर सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित ही बाहर निकले, इसको लेकर पीएमओ का भी पूरा ध्यान है। वहां से कई टीमें यहां आकर इस पूरे रेस्क्यू का जायजा ले चुकी है, पीएम को रिपोर्टें पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन बीच बीच में वो उत्तराखंड के सीएम से बातचीत भी करते हैं और बातचीत के दौरान प्रमुखता से इस बात की जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या कुछ ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो टनल की तस्वीरें हैं, यहाँ पे पीएमओ के कई अधिकारी कई दिन पहले यहाँ पे आके जायजा ले चुके हैं, तमाम जो एक्सपर्ट्स टीमें हैं उनसे बातचीत भी वो कर चुके हैं और पीएम खुद भी सीएम से बात करते हैं और बातचीत में प्रमुखता से ये वो जानने की कोशिश करते हैं कि जो श्रमिक है 41 की जिनकी संख्या है उनकी स्थिति क्या है, कौन कौन से प्रदेश से है। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, इसके अलावा खुद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य है जहाँ के मजदूर यहाँ पे फंसे हुए हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन आज बहुत तेज हो चुका है, यानी गुजरता हर घंटा जो है वो राहत भरी खबर लेकर आ रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने पता है, यानी जल्द से जल्द ये सभी जो मजदूर हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ये राहत भरी खबर जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके सामने मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो रेस्क्यू टीमें, जो एक्सपर्ट्स की टीमें हैं जिसमें विदेशों की मशीनें और विदेशों के लोग भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, उनका दावा यही है कि अगर मशीनों ने ठीक तरीके से काम करना शुरू कर दिया, कहीं कोई बाधा नहीं, कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई पत्थरों का अड़चन नहीं, तो फिर आज देर शाम या फिर अब से कुछ ही घंटे में कुछ राहत की खबर आ जाएगी।